चेंज क्या हुआ? पता नहीं झटका सा लगा। ये कैसे हुआ? ये तुम्हें छूने से ही हुआ है, मुझे शॉक सा लगा। ये हील नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? अंश अंश तुम मुझे टच करके देखो, देखते हैं क्या होता है। तुम ठीक तो? ये सब क्या हो रहा है आज? सर जी हम लोग रेडी हैं, तो हम सोचे कि आपको सी ऑफ करके निकलते हैं यहाँ से। बाय सावी, बाय निशान जी। वैसे सर जी एक बात बोले, आप टेंशन मत लीजिएगा, बस महीने भर की बात है, महीने भर में हम यूं वापस आ जाएंगे। तुम्हें लेट हो रहा होगा ना? जा रहे हैं, भगा गए रही हो। डैड चलिए हम निकलते हैं, इनके चक्कर में हम भी लेट हो जाएंगे, रेडी होना ना हमें। सर जी आप लोगों को रेडी होके कहाँ जाना है? क्यों, घूमने फिरने का हक सिर्फ तुम्हें है क्या? अबे यार हमको एक बात समझ में नहीं आती है, जब हम सीधे सीधे तुमसे सवाल कर रहे हैं तो तुम भी सीधे सीधे हमको जवाब दो ना। हाँ तो सीधा जवाब ये है कि हम अंश और गुड़िया की एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी? हमें पार्टी बहुत पसंद है, चलिए पतिदेव जी हम भी पार्टी में जाएंगे। अबे तो हनीमून पे कौन जाएगा, हम का क्वीन की कंगना है जो अकेले जाएंगे। वो सब हम नहीं जानते, हमें पार्टी में जाना है मतलब जाना है, अगर हम पार्टी में नहीं गए तो हम हनीमून पे भी नहीं जाएंगे। अरे सुनिए, शादीशुदा लड़की को देखकर सीटी बजाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने हस्बैंड को बुला लूंगी। आज तुम्हारे घर में हस्बैंड नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि हस्बैंड सिर्फ सब्जी आला है और बॉयफ्रेंड गिफ्ट्स। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर है। अंश क्या हुआ भैया? कहीं तुम्हें फिर से? डोंट वरी भैया, आज हमारी एनिवर्सरी है और तुम्हारे लिए मैं कोई भी तकलीफ सह सकता हूँ। मैं ठीक हूँ भैया। ये सब क्यों हो रहा है आज? पता नहीं भैया, जब बच्चे तुम्हें छूते हैं तभी भी ऐसा ही होता है क्या? नहीं आज, इनफैक्ट आज जब माँ ने छुआ था तब भी ऐसा नहीं हुआ था, कि सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। और अजीब बात तो ये कि तुम्हारा घाव भी ठीक नहीं हो रहा है। इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना होगा भैया। लेकिन आज आज बुआ और रुचि आ रहे हैं, अगर गलती से तुमने उनके सामने मुझे छोड़ दिया तो। डोंट वरी भैया, आई विल मैनेज। और वैसे भी डिनर पर पापा भी आ रहे हैं, तो हम उनसे इस बारे में बात कर लेंगे। हाँ। लेकिन आज सबसे पहले हमें घर वालों को इसके बारे में बताना होगा, और वो भी बुआ और रुचि के आने से पहले। यस राइट, डिनर के बाद बता दे। चलो माँ, हम तो डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे ना।
हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमने सारे मेहमानों को घर पे बुला लिया है डिनर के लिए। भैया इस बारे में बात करना भी ठीक नहीं रहेगा, सारे मेहमान चले जाएं, उसके बाद बात करेंगे। अब वहीं खड़े रहोगे? चलो आओ। चीजू ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, इनको आपके साथ पिक्चर क्लिक करानी है। आओ ना, शर्मा क्यों रही हो? अरे आप दोनों क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे बिहेव कर रहे हो? हस्बैंड एंड वाइफ हो ना, थोड़ा पास आओ ना, दी के कंधे पे हाथ रखो, चलो जल्दी। थैंक यू। अच्छा अंश या आओ। तुम दोनों शादी की एनिवर्सरी का केक है, साथ में मिलकर काटो ना। हाँ शादी की सालगिरह तुम दोनों की है, अकेली पिया की नहीं, थोड़ा रोमांटिक अंदाज में काटो ना। हाँ। आप क्या हाँ बोल रहे हैं, इनसे तो रोमांस की कोई उम्मीद ही नहीं है। यार कैसे खड़े हुए हैं तुम ना। मैं पापा से बात करके आती हूँ। पापा आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ गुड़िया, सब ठीक है? आप आइए तो। What? लेकिन ये कैसे पॉसिबल? पता नहीं बाबा, लेकिन जब भी अंश मुझे छूता है तो उसे एक झटका लगता है, और जब भी मैं उसे छूती हूँ तो उसे उस जगह जख्म हो जाता है जो हील भी नहीं हो पाता। शादी से पहले ऐसे मेरे साथ होता था, तब अंश मुझे छूता था और मेरे शरीर पर घाव बन जाते थे। हाँ गुड़िया, लेकिन उस वक्त तुम और अंश एक दूसरे से अनजान थे। तुम एक दैविक हो, वो एक दावंश है, इसलिए उसे छूने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन उसके बाद तुम दोनों के बीच के प्यार की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व भी तो हुई थी। पर डैड अब ये प्रॉब्लम फिर से क्यों हो रही है? आई डोंट नो सर, आई मीन हो सकता है कि कोई काली शक्ति अंश और गुड़िया को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश कर रही है। लास्ट टाइम पिया दी से बचपन में मिली थी और अब मिलूंगी, सो एक्साइटेड। मैं भी इतने सालों से ना पिया से मिली हूँ ना भैया से, आज सबसे एक साथ ही मिलूंगी। आप कौन? तुम्हारा पति। हेलो मॉम। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? लेट्स गो। चलो। आवन छोड़ने के बावजूद अगर तुम अपने घाव को हील नहीं कर पा रहे हो तो उसका एक ही मतलब हो सकता है कि जिस शक्ति की वजह से तुम्हें ये घाव मिला है वो तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। सवाल ये उठता है कि वो शक्ति आखिर है क्या? जीजू क्या ये बहुत ज्यादा पेनफुल है? हाँ।
मेहमानों की वजह से अंश कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ उसे कितनी तकलीफ हो रही है। बाबा, हमें जल्दी से जल्दी कोई सलूशन ढूंढना होगा। मैं अंश को और तकलीफ में नहीं देख सकती। इट्स ओके प्रिया, पार्टी के बाद देख लेते हैं। अंश, अगर बात पार्टी की है तो मैं अभी पार्टी कैंसिल कर दूंगी। प्रिया रुक जाओ, प्रिया माँ पापा चाचा चाची ने पार्टी बहुत प्यार से अरेंज की है, मैं उसे स्पॉइल नहीं करना चाहता। अंश, पार्टी खत्म होने में अभी बहुत वक्त है, मैं नहीं चाहती तुम और सफर करो। ठीक, जब तक हम इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकालेंगे तब तक तुम दोनों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप दोनों एक दूसरे को टच ना करें। चीजू, एक मिनट, में अभी आई। जीजू, आप इस पे अपना हाथ रखे प्रेस कीजिए। अब तुम दोनों पार्टी में जाओ, तब तक सावी और मैं इसकी मदद से प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलो भैया। चेताली, क्या बोल रही हो तुम? जब अर्थक्वेक आता है ना तो बिल्डिंग हिलने लगती है, लोग गिर जाते हैं। माँ, हमें गेस्ट को भेज देना चाहिए। आप लोग आइए, इस तरफ आइए। इधर आइए, आराम से, आराम से। आइए आइए, भैया बेटा हाथ दो जल्दी। ठीक है, आप लोग ठीक है? सब इस तरफ जाइए। बुआ जी, रुचि, आप लोग कब आए? और आप लोग ठीक तो है ना? हाँ पिया, लेकिन ये सब क्या है? कितने सालों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को देखकर। आइए, मैं आपको अपने घर वालों से मिलाती हूँ। पापा, माँ, बुआ जी, ये अंश है, मेरे हस्बैंड। नमस्ते। हाय जीजू। ये मेरी माँ। नमस्ते। पापा जी, चाचा जी और चाची जी, और इनसे मिलिए, ये मेरा बड़ा बेटा आदि और ये परी। हाय मासी। हाय मासी। पीएल बुआ जी। पीएल? पीएल मींस पाय लागू। ओह माय गॉड, हाउ क्यूट। आइए आप लोग, चलो पिया। माँ, आप लोग चलिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, आइए। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। कहीं आप अंश के फ्रेंड तो नहीं है? नहीं। तुमसे है मेरा रिश्ता। सॉरी देव, मैं आपको इनसे तो मिलवाना ही भूल गई, ये है मेरे फियांसे। देव। अच्छा, इसलिए आप कह रहे थे आप मेरे रिश्तेदार हैं। रुचि। हाँ माँ, आई। एक्सक्यूज मी। संभल के, तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हें तुम्हारे अपनों से बहुत दूर ले जा सकता है। अंश गुड़िया को छूता है तो उसे शौक लगता है, और गुड़िया अंश को छूती है तो उसे जख्म हो जाता है। आई जस्ट होप कि अंश के इस हैंडप्रिंट से हमें कोई ऐसे ट्रेसेस मिल सके जिससे
हमें पता चले कि वो कौन सी चीज है जो अंश को गुड़िया से दूर कर रही है। डायन रहस्य के पेजेस ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे? डायन रहस्य में तो सारी काली शक्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अगर इस हैंडप्रिंट की वजह से डायन रहस्य ऐसे रिएक्ट कर रही है तो उसका एक ही मतलब हो सकता है कि इस हैंडप्रिंट में दैविक रक्षा कवच द्रव्य मिला हुआ है। दैट मींस कि अंश जीजू के हाथों में दैविक रक्षा कवच द्रव्य के ट्रेसेस थे। हाँ सावे, दैविक रक्षा कवच द्रव्य एक बहुत ही रेयर पोर्शन होता है जिसे सिर्फ दैविक ही बना सकते हैं। काली शक्तियों को खुद से दूर रखने के लिए एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि गुड़िया के पास वो द्रव्य था और हमें उस बारे में पता ही नहीं था। आई मीन इट्स ऑब्वियस कि क्योंकि अंश एक काली शक्ति है इसीलिए वो गुड़िया को छू ही नहीं पा रहा। एक मिनट डैड, ये बात समझ में आ गई कि अंश जी जो एक दावंज है इसलिए दैविक रक्षा कवच द्रव्य उन्हें पियादी से दूर रख रहा है। पर पियादी इसका इस्तेमाल अंश जीजू के खिलाफ क्यों कर रही है? जानते हो अंश, हर समर हॉलीडेज में बचपन में रुचि हमारे घर आया करती। ने साल बीत गए, पता नहीं इसे याद भी है या नहीं। पॉज दी, मुझे याद है। सावी कभी भी मुझे अपने टॉयज नहीं देती थी, लेकिन आप हमेशा दे दिया करती थी। सावी तो आज भी वैसी की वैसी है, अपनी चीज किसी को नहीं देती। प्लांट्स तो ग्रीन होते हैं ना? हाँ, ये पिंकू कैसे बन गए? हो सकता है कि मौसम की वजह से पौधों ने रंग बदल लिया। हो सकता है, आजकल तो कुछ भी हो सकता है, खासकर हमारे घर में तो कुछ भी हो सकता है। आ, कोनी क्यों मार रहे हो? मेरी माँ, चुप करो। बंद करो यार। पतिदेव जी, हम यहाँ क्या करने आए हैं? अरे कुछ नहीं, गड्ढा भरने आए हैं। नमन द कंचारियो वंशी कम, लोर मिस्त्री इज हियर। तो भरिए ना। हाँ, जब तक भरेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहाँ से शुरू करें हम? अरे फोन किसका आ गया इसी टाइम पे? अरे छोड़िए सर जी, हम सब जानते हैं, समझ गए। ये दोनों आप लोगों की चाल है कि हम ना अपने हनीमून पे ना जा पाए, समझ गए। आपको क्या जरूरत थी हमारी मिसेस के सामने पार्टी का नाम लेने का? नमन, तुम हमेशा ये अपना दुखड़ा ही क्यों रोते रहते हो? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें कहीं भेजने का। अगर तुम्हें वहाँ भेजा गया है तो उसके पीछे कोई वजह है। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि वहाँ फ्लोर में अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। एनीवे, अंश और गुड़िया से बात हुई कि नहीं? नहीं नहीं सर जी, अभी वो आपकी बहन और भतीजी में बिजी हैं, उनके मेहमान नवाजी में। ठीक है, अलर्ट रहना और कुछ भी गड़बड़ दिखे तो मुझे इन्फॉर्म कर। सुनो मिसेज जी, सर जी कह रहे हैं अलर्ट रहो, अलर्ट। हाँ हाँ, हम बहुत अलर्ट है। कंचा दा नमन रीवा वंशी होने का क्या फायदा है? अलग इतना टैलेंटेड, इतना हार्ड वर्किंग है हम, बताओ, हमसे ही करवा रहे हैं कड़िया का काम। पतिदेव जी, वो देखिए वो। हाँ, तुम ही शरबत देख के डर गई हैं? अरे पतिदेव जी, वो शरबत नहीं, दैविक रक्षा कवच द्रव्य है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।